हेलो दोस्तों दोस्तों आज का ये सफ़र बहुत ही दिलचस्प होने वाला है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी, क्योंकि ये सफ़र जा रहा है एक ऐसे छोटे सी देश की सैर पर जिसके लिए कहा जाता है कि ये बहुत ही खूबसूरत है। खूबसूरती के साथ साथ ये भी कहा जाता है कि आने वाले समय में ये देश वर्ल्ड मैप पर ना हो, यानी ये देश दुनिया से गायब हो जाएगा। तो आखिर क्या होगा इस देश के साथ? ऐसी बहुत सारी खास जानकारियां हैं इस देश के बारे में। कल क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन आज ये देश दुनिया में है और बहुत ही खूबसूरत है। कैसा है, चलिए हम आपको दिखाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो में चलते हैं आगे। दोस्तों, दुनिया के सबसे छोटे देशों में शामिल एक ऐसा देश जो अपनी अद्भुत प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है। कई द्वीपों से बना ये आजाद देश दक्षिण प्रशांत महासागर क्षेत्र में स्थित है। ये खूबसूरत देश घूमने के लिए एक आदर्श स्थान है, जिसमें जहां आपकी नजर जाएगी वहां सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आएगा, आइलैंड्स नजर आएंगे, समुद्र के सुंदर नजारे नजर आएंगे और शानदार समुद्र तट देखने को मिलेंगे। एक शांत वातावरण में लोग मोटर बाइकिंग पर द्वीप की सड़कों के किनारे घूमते हुए खुशनुमा पल बिताते नजर आएंगे। मछलियां भूनते, उन्हें खाते और झूला झूलते हुए मस्ती करते नजर आएंगे। यही नहीं दोस्तों, रात में समुद्र तट पर कैंप फायर का आनंद भी लेते यहाँ पर लोग नजर आ जाएंगे। लेकिन पर्यटन की इतनी सारी संभावनाएं होने के बाद भी ये देश कुछ कम घूमे जाने वाले देशों में शुमार है, जहां पूरे साल मात्र 2000 लोग ही आते हैं। और सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये है कि इतना खूबसूरत देश हो सकता है कि आने वाले समय में टूरिस्ट के लिए बचे ही ना, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि ये देश इस दुनिया से गायब हो जाने वाला है। दोस्तों, ये देश दुनिया के सबसे खूबसूरत द्वीप स्थलों में से एक है। पश्चिम मध्य प्रशांत महासागर में एक द्वीप देश। एक तरफ से ये खूबसूरत देश हवाई और ऑस्ट्रेलिया के बीच लगभग मध्य में ही स्थित है। ये एक अंगूठी के आकार की मूंगा चट्टान पर है दोस्तों। एक लैंगून को घेरे हुए है ये देश, जिसके किनारे पर द्वीप है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस अद्भुत देश की कुल जनसंख्या मात्र 12,000 के करीब है, और अगर क्षेत्रफल देखेंगे तो मात्र ये देश 26 किलोमीटर के करीब ही है। इसके साथ ही ये देश दुनिया में चौथा सबसे छोटा देश भी बताया जाता है। यहाँ आपको बता दें कि पहले ये एलिस द्वीप समूह के नाम से जाना जाता था, और 1978 तक गिलबर्ट और एलिस द्वीप समूह के ब्रिटिश उपनिवेश का हिस्सा रहा। इसे 1978 में पूरी आजादी मिली और आज ये देश आजाद देश है। वैसे तो तुवालू दुनिया का सबसे कम पर्यटकों वाला देश है, यानी यहाँ ज्यादा लोग नहीं जाते, साल में मात्र 2000 लोग ही जाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये देश घूमने के लिहाज से बेहद खूबसूरत और अद्भुत है। क्या आप जानते हैं दोस्तों, दुनिया में सिर्फ 4 ऐसे देश हैं जो पूरी तरह से मूंगा एटॉल से बने हुए हैं। उन्हीं में से एक है तुवालू। एटॉल समुद्र में निचले स्तर के द्वीप होते हैं, यानी समुद्र को टच करते हुए। जब ज्वालामुखी समुद्र में ढह जाता है और अपने पीछे एक मूंगा चट्टान छोड़ जाता है जो कि द्वीप को घेरे हुए होता है, और इस तरह प्रकृति की अद्भुत कला से ये देश बना और अपने शांत समुद्र तट और नरम रेत के लिए जाना जाता है। साथ ही यहाँ आपको बेहद ही अधिक मात्रा में नारियल के पेड़ भी मिलेंगे, और यहाँ की लगभग हर डिश में नारियल का यूज होता है। इन सब के साथ यहाँ का मौसम भी बहुत सुहाना होता है। तापमान करीब 27 से 29 डिग्री के आसपास रहता है, ना ज्यादा गर्मी और ना ज्यादा ठंड। काफी इंजॉय करने वाला वेदर है ये। दोस्तों, एक रोचक बात भी है, आपको बता दें कि इस अनोखे देश के लिए बताया जाता है कि ये विशाल समुद्र में निरंतर गतिशील रहता है, यानी लोग कहते हैं कि ये तैरता रहता है। क्या ऐसा है? जब आप यहाँ जाइएगा तो फील कीजिएगा। आज तक पर्यटकों ने इस सुंदर देश की बेहद अनदेखी की है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कुछ समय के बाद इस देश में वास्तव में ही कुछ ना बचे। जी हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि बताया जा रहा है कि देश पूर्ण रूप से दुनिया से गायब हो जाएगा। यहाँ का आबादी क्षेत्र समुद्र से सिर्फ 2 मीटर की ऊंचाई पर बताया जाता है। साथ ही देश का सबसे ऊंचा हिस्सा समुद्र तल से करीब 4-5 मीटर की ऊंचाई पर है। जानकारों की माने तो समुद्र हर साल 3.9 मिमी की दर से बढ़ रहा है, और इसी वजह से ये देश पूर्ण रूप से कुछ वर्षों बाद समुद्र में समा सकता है। देश के डूबने का खतरा और भी अधिक महसूस होने लगा है, क्योंकि तुवालू के 9 में से 2 द्वीप पहले से ही समुद्र के स्तर के बढ़ने और तटीय कटाव से
समुद्र में अंदर जाते जा रहे हैं। इन्हीं वजहों से तुवालु देशवासियों को बेहद ही परेशानी हो रही है और चिंता भी सता रही है। खास तौर पर तूफान के समय समुद्री लहरों द्वारा देश पर खतरनाक हमला होता है। शायद इसी वजह से पर्यटक भी यहाँ नहीं आना चाहते। तो आई होप आप समझ ही गए होंगे कि तुवालु पर्यटक क्यों नहीं आते। कहीं ना कहीं प्राकृतिक रूप से उन्हें खतरा है। उन्हें लगता है कि ये देश कभी भी खतरनाक लहरों में समा सकता है। लेकिन जो टूरिस्ट यहाँ आते हैं, तुवालु उसको बेहतरीन तरह से वेलकम करता है और यहाँ के प्राकृतिक नज़ारे और खूबसूरती में अपने आप को समा लेता है। अगर आप यहाँ जाने के लिए बेस्ट समय खोज रहे हैं तो आपको बता दें कि मई से अक्टूबर महीने का समय सबसे अच्छा है, जब आप यहाँ तापमान के हिसाब से एक बेहद ही खूबसूरत मौसम को एंजॉय कर सकते हैं। कम बारिश का समय है ये और उमस वाला ज्यादा नहीं होता। तुवालु पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही विकल्प है, वो है हवाई मार्ग। आपको बता दें कि तुवालु देश में केवल एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसे 1943 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना द्वारा बनाया गया। आज के समय में सिर्फ फिजी एयरवेज की उड़ानें इस पर संचालित होती हैं। फिजी प्रशांत महासागर क्षेत्र में एक द्वीप देश है और यहीं से आप तुवालु पहुंच सकते हैं। फिजी से हफ्ते में 3 दिन यहाँ के लिए फ्लाइट्स हैं और फिजी के लिए आपको इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और बड़े देशों से इजीली फ्लाइट्स मिल जाएंगी। तो अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, शहरी भीड़ से कोसों दूर एकदम शांत जगह महसूस करना चाह रहे हो और खूबसूरत द्वीपों की तलाश में हो, तो ये आपके लिए परफेक्ट है। तुवालु एक बेहतरीन विकल्प है उन लोगों के लिए जो कुछ शांति चाहते हैं, इसलिए यहाँ आना तो बनता है दोस्तों। और तुवालु विकल्प है उन लोगों के लिए भी जो कुछ डिफरेंट देखना चाहते हैं अपनी आंखों से। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि यहाँ की लड़कियाँ बहुत खूबसूरत और बहुत सेक्सी होती हैं। जी हाँ, यहाँ की लड़कियाँ आपसे एक अलग ही अंदाज में बात करती हैं। उनका उठना बैठना, उनका आपको देखना बहुत अट्रैक्टिव होता है। लड़कियों के साथ साथ ये अदाएं यहाँ की नेचुरल ब्यूटी में भी नजर आती है। जी हाँ, यहाँ की बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप कुछ सुकून चाहते हैं तो चले आइए बेकुगाव। फनाफूटी के एटोल में स्थित वायाकू एक गांव है जो तुवालु के अन्य द्वीपों की समान विशेषताओं को दिखाता है। एक बेहद ही शांति प्रिय जगह। ये खूबसूरत लैगून, मूगा चट्टानों और चमचमाते रेतीले समुद्र तटों और बहुत सारी लग्जीरियस रिजॉर्ट्स के साथ आपको वेलकम करता है। शांत वातावरण है और सुकून बेतहा। दोस्तों, ये है न्यू ताओ द्वीप। ये तुवालु के उत्तरी भाग में है और यहाँ मात्र 700 लोग ही रहते हैं। ये द्वीप अपने आप में बहुत ही अट्रैक्टिव है क्योंकि ये बहुत सुंदर है। दोस्तों, ये है वायकू का टियोन चर्च। वायकू का टियोन चर्च वायकू गांव में मुख्य कैथोलिक चर्च है। हालांकि इसका आकार बहुत छोटा है, लेकिन इसकी वास्तुकला बहुत प्रभावशाली। फोगाफेल आइलेट पर स्थित है ये चर्च। एक नुकीले गुंबद के साथ बनाया गया है जिसके शीर्ष पर एक क्रॉस लगा हुआ है और लोग यहाँ प्रार्थना करने पहुंचते हैं। दोस्तों, ये है फनाफूटी समुद्री संरक्षण क्षेत्र। जी हाँ, एक रिजर्व एरिया। फनाफूटी समुद्री संरक्षण क्षेत्र तुवालु में एक शीर्ष पर्यटक स्थल है जो वन्य जीवन से प्यार करने वाले लोगों के लिए है। यहाँ लुप्त प्राय समुद्री कछुओं को आप देख सकते हैं, मछलियाँ, मूंगे, शैवाल और बहुत सारे पानी के जीव जो आपका इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, ये है नानोमंगा की गुफाएं। नानोमंगा की गुफाएं तुवालु में एक अट्रैक्टिव प्लेस है, खासकर स्कूबा गोताखोरों के लिए। अगर आप स्कूबा ड्राइविंग करना चाहते हैं तो यहाँ जरूर आइएगा। पानी के नीचे भी कई गुफाएं हैं दोस्तों। गुफाओं की खोज 1986 में हुई थी जो एक स्थानीय किंवदंती के अनुसार मिशन पर निकले लोगों ने की थी, जिसमें दावा किया था कि समुद्र के नीचे एक बड़ा घर मौजूद है जिसकी खोज के लिए ये लोग गए और इन्हें मिली कई गुफाएं। आप भी स्नॉर्कलिंग के जरिए इन गुफाओं को ढूंढ सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये देश, इस देश की खूबसूरती और इस देश की लड़कियां सभी पसंद आई होंगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।